महापौर का पदभार स्वीकार करते ही संदीप जोशी ने महापौर निधि से शहर के विभिन्न इलाकों में सुलभ शौचालयों का निर्माण करने की घोषणा की थी, जिसके अनुसार मंगलवार को मनपा मुख्यालय में हुए समीक्षा बैठक के बाद 48 सुलभ शौचालयों के निर्णय पर मुहर लगा दी गई है। महापौर ने कहा कि शहर के बाजार, चौक और भीड़ भरे इलाकों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण विशेष रूप से महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। शहर में सुलभ शौचालय की संख्या काफी कम है, जिससे अब जगह लगभग सुनिश्चित होने के कारण 31 मार्च के पूर्व इनका भूमि पूजन करने का निर्णय ले जाने की जानकारी भी दी। बैठक में स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा, बालापोरकर अभय गोटेकर, संजय बंगाले, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, राजेंद्र रहाटे, प्रदीप दासरवार आदि उपस्थित थे। मी आल्यानंतर ठरवलं होतं की महापौर निधीच्या माध्यमातून मी शहरामध्ये शौचालय मोठ्या प्रमाणात बांधील। 48 जागा आज आम्ही निश्चित केलेल्या आहे आणि 15 मार्चच्या आत या 48 जागांवरती भूमिपूजन करून आम्ही कामाला प्रारंभ करणार आहोत। महापौर जोशी ने कहा की 6 करोड़ रुपए की महापौर निधि सुलभ शौचालय पर खर्च की जाएगी। हालांकि यह 31 मार्च 2020 तक का टारगेट है, किंतु इसके बाद भी दूसरे चरण में अगले वित्तीय वर्ष में पुनर 48 सुलभ शौचालय की योजना होगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को भूमि पूजन करने के बाद 4 माह के भीतर सुलभ शौचालयों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि समीक्षा बैठक में उपस्थित पार्षद और जोन अधिकारियों की ओर से 68 प्रस्ताव रखे गए हैं, किंतु संबंधित स्थानों की आवश्यकता और जगह की उपलब्धता को देखते हुए 48 सुलभ शौचालय के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। महापौर ने कहा कि शहर स्वच्छता और नागरिकों की सुविधा को देखते हुए इन सुलभ शौचालयों का निर्माण जरूरी है। इस संदर्भ में समय समय पर बैठक लेकर समीक्षा की गई। अब जगह उपलब्ध होने से संबंधित एजेंसी पर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहर में स्थित 87 पेट्रोल पंप पर भी शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जहां मनपा की ओर से सफाई कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।